जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरुवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ितों की पीड़ा को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सुना और समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंची और प्रार्थना पत्र के जरिए अपनी समस्या प्रस्तुत की। वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े रहे। आमजन की जनसुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने परिवादों को गंभीरता से सुना। वहीं मुख्य सचिव उषा शर्मा VC से जुड़ी रही। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करें, क्योंकि यह सरकार की सुशासन की परिकल्पना को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। इस दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में शून्य परिवेदना प्राप्त होने को गंभीरता से लिया और भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा। साथ ही जनसुनवाई का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इस पर जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में बार बार आने वाली शिकायतों को सूचीबद्ध कर और उनको प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर लोकबंधु जनसुनवाई में आई सभी परिवेदनाओं को विस्तार से सुनवाई की एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का प्रभावी पर्यवेक्षण करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरण एक सप्ताह में निपटाए जाए। इस दौरान जनसुनवाई में आए सभी परिवादियों की एक एक परिवेदना को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी रास्ते कहीं पर भी बंद नहीं हो, अतिक्रमण होने पर त्वरित कार्रवाई कर हटाया जाए। उन्होंने अतिक्रमण के प्रकरण में एक सप्ताह में बेदखली की कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस दौरान जनसुनवाई में कुल 63 परिवाद पेश हुए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए सभी परिवादियों को एक एक परिवेदना को देखा तथा संबंधित अधिकारी से विभागीय पक्ष से जानकारी ली। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक दिगत आनंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी, बाड़मेर उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े रहे।